देखिए आज हम सीखेंगे कि कैपेसिटर को बोर्ड में लगे हुए कैसे चेक करना होता है, क्या वैल्यू आएगी तो हमें निकाल कर चेक करने की जरूरत है और क्या वैल्यू आएगी तो निकाल कर चेक करने की जरूरत नहीं होगी। समझ गए? बिल्कुल स्टेप टू स्टेप समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कैपेसिटर का आप लोगों को पहचान बता देते हैं। कैपेसिटर की पहचान करने का क्या तरीका बताया गया है? कलर के हिसाब से पहचान कर सकते हैं। दूसरा कि बोर्ड में सबसे ज्यादा वही लगे होते हैं। कौन सा कंपोनेंट? कैपेसिटर। और कैपेसिटर में कौन सा? एनपीसी। एनपीसी मतलब नॉन पोलराइज कैपेसिटर। तो देखिए ये जो जितनी भी दिख रहे हैं ये सारे क्या है? कैपेसिटर है। ठीक है, ये सारे क्या है? कैपेसिटर है। साइज में छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। कलर की बात करें तो ब्राउन, ग्रे और येलो। समझ गए? दोनों तरफ क्या हो गया? सिल्वर लाइन। देखिए ये ब्राउन दोनों तरफ क्या है? सिल्वर लाइन। ये साइज में बड़ा है और ये साइज में छोटा है। ठीक है, और ये ज्यादातर इसकी दो लाइन में से एक लाइन ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। किससे होता है? ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। तो अब कैसे हमें चेक करना होगा ग्राउंड से कनेक्ट है या नहीं है? तो मल्टीमीटर को सेट करना होगा बीप रेंज पे। किस रेंज पे? बीप रेंज पे। एक वायर को रखना होगा ग्राउंड पे। ये जितनी भी जो शील्ड के ऊपर जो शील्ड लगी होती है आईसी के ऊपर जो दिख रही है ना, ये सारे ग्राउंड होते हैं, ये भी सारे ग्राउंड होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि ग्राउंड टू ग्राउंड क्या आएगा? बीप आएगा। क्यों बीप आएगा? क्योंकि वो दोनों कॉमन है। तो देखिए एक वायर को हमने ग्राउंड पे रख दिए, अब दूसरे वायर से हम चेक करेंगे। तो देखिए इधर बीप आ रहा है और इधर बीप नहीं आ रहा है। अगर आप ये चीज जान लेते हैं कि बोर्ड में लगे कैपेसिटर पे अगर वैल्यू आती है, कितनी आती है तो हमें ठीक कहलाता है और कितनी आती है तो खराब कहलाती है, तो उस कंडीशन में हमें बाहर निकालकर चेक करना होता है। तो देखिए यहां पे इधर भी पा रहा है और इधर नहीं आ रहा है। तो जिधर बीप आ रहा है उधर रखना है मल्टीमीटर का रेड वायर। कौन सा रखना है? रेड वायर। और दूसरी तरफ रखना है ब्लैक वायर। ये चीज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कुछ मल्टीमीटर में डायोड और कंटिन्यूटी दोनों एक ही में होता है और दोनों की वैल्यू दिखा देता है। मतलब कहने का मतलब है कंटिन्यूटी भी सेट करेंगे तो भी जहां पे डायोड की वैल्यू आनी चाहिए वो भी वैल्यू आ जाती है, लेकिन कुछ मल्टीमीटर में डायोड ओम पे सेट करेंगे तो उस पे आएगी, कंटिन्यूटी पे एक लिमिट होता है 40 50 60 70 तक वैल्यू आएगी, उसके बाद वैल्यू नहीं आएगी। तो ये चीज में आपको क्लियर हो इसमें हो जाएगा। तो यहां पे देखिए हमने सेट किए, अब हम रेड वायर को डायोड मोड पे सेट, अभी रेड वायर को कहां रखेंगे? जिधर बीप आ रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ रखेंगे ब्लैक वायर। अब देखिए क्या वैल्यू आ रही है, एक मिनट, क्या वैल्यू आ रही है देखिए सही से नहीं आ रही। 106 105 आ रही है? यस सर। 105 आ रही है? यस सर आ रही है। और वायर को चेंज करने के बाद 100 और प्लस कर देना है। क्या? 100. जैसे अभी कितना आ रहा है? 105। और वायर को चेंज करने के बाद कितनी आनी चाहिए? 205 प्लस, या फिर ऑयल जो अभी लिख करके आ रहा है, या तो फिर वो आनी चाहिए, या तो फिर 205 प्लस या फिर ऑयल लिख करके आनी चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा वो ओके होता है, बाहर निकाल कर चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? तो देखिए अब हमने वायर को चेंज किए, ब्लैक को कर दिए इधर और रेड को कर दिए इधर, कितनी आ रही है? 116 आ रही है। और इधर भी देखिए लगभग वही आ रही है। तो ये लीकेज का पहचान है। किसके पहचान है? ये लीकेज है, या तो फिर ये कैपेसिटर लीक हो गया है या फिर इसके लाइन में लगे कोई दूसरी कंपोनेंट, जैसे कि कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, एलडीओ, मॉसफेट और आईसी। ये चार पांच कंपोनेंट
लीकेज शॉर्ट और ओपन सब होते हैं। तो जब आपका मॉस्फेट ट्रांजिस्टर सब कुछ बताया जाएगा तो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब यहां पे क्या दिखा रहा है, लीकेज दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, लीकेज। तो आपको फिर बाहर निकालकर चेक करना होगा। चलिए इसको हम बाहर निकालते हैं फटाफट, और बाहर निकालकर इसको हम चेक करते हैं, क्योंकि लगभग दोनों साइड क्या आ रही है, सेम वैल्यू, बराबर वैल्यू आ रही है, प्लस आनी चाहिए लेकिन 100 प्लस नहीं है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में इसको निकालेंगे, कौन सा सेकेंड कंपोनेंट को, ये वाले को, ठीक है, इस वाले को। तो इस कैपेसिटर को अब हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे, थोड़ी सी हीट देंगे, ऐसे प्लग रखेंगे वहां पे। ये हमने कैपेसिटर को बाहर निकाल दिया, अब हम बाहर निकाल कर क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, ठीक है। अब ये कुछ भी नहीं आनी चाहिए, अब ये कुछ भी नहीं आनी चाहिए, ऑयल आनी चाहिए, समझ गया ना, ना ही बीप और ना ही वैल्यू, डायोड रेंज पे, समझ गया ना। ये बोर्ड में लगे जो वैल्यू आ रही थी ना, वो एक्चुअल में इसके लाइन में लगे डायोड का, किसका आ रहा था, चलिए मैं आपको भी मैं चेक करके दिखाई दूंगा, मैं टेंशन मत लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। अब इसको बाहर निकाल लिए, अब इसको चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर को भी हम उसी रेंज पर सेट करेंगे, कंटिन्यूटी डायोड कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा है, ऑयल आ रहा है, आ रहा ना ऑयल, इसमें क्या आ रहा है, ऑयल आ रहा है, आ रहा है। अब हम जहां पे ये कैपेसिटर लगा हुआ था वहां पे अब चेक करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं, अब जो ये वैल्यू जो आ रही थी ना, अब उस पॉइंट पे आएगी, ठीक है, साफ हो गया। अब हम यहाँ पे पॉइंट पे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट को ऑन कर देते हैं, देखिए रेड वायर को कहाँ रखेंगे, ग्राउंड पे रखेंगे, रेड वायर को कहाँ रखेंगे, ग्राउंड पे। अब देखिए वैल्यू आ रही है 85, अभी ये बोर्ड हीट है, जैसे जैसे कूल होगी इसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी, देखिए 87 हो गया, अभी ये 88 हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब इधर भी देखिए, देखिए इधर भी पा रहा है, डायोड मोड पे क्या आएगा, 000 आएगा, देख लीजिए डायोड मोड पे क्या आएगा, 000 आएगा। अब जब यहां से प्रोब हटा देंगे तो ऑयल हो जाएगा, तो इधर ग्राउंड है तो ग्राउंड से भी पा रहा है। अब इधर कितना आ रहा है, अभी देखिए 94-93 हो गया, अब जैसे जैसे ये कूल होगी टेम्परेचर इसकी आगे होगी बढ़ती जाएगी, इसका भी रीजन होता है। अब हम ये क्या करेंगे, ब्लैक वायर को क्या करेंगे, ग्राउंड पे रखेंगे, देखिए अब फिर भी वैल्यू आएगी, आ रही है 25, जो कि 100 प्लस होनी चाहिए लेकिन अभी भी वैल्यू आ रही है, तो इसके लाइन में लगे कंपोनेंट क्या हो गया, लीक हो गया। तो ये भी चीज सीखेंगे, और अगर आपको ये पता चल गया कि कौन सा कंपोनेंट खराब हो इनसे लीक हो जाता है तो और आसानी होगी। अब इसके लाइन में लगे कोई भी कंपोनेंट, यानी कॉइल रजिस्टर को हम नहीं पकड़ेंगे, उस कंपोनेंट को पकड़ेंगे जो खराब हो जाने से क्या होता है, लीक, उस कंपोनेंट को पकड़ेंगे। अब इसमें से आईसी भी हो सकती है, मॉस्फेट भी हो सकता है, डायोड भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, और आईसी भी हो सकता है, एलडीयू भी हो सकता है, रजिस्टर लीकेज नहीं है। रजिस्टर का फॉल्टी कंडीशन या तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्या जाती है, वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, या फिर वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, या तो बिल्कुल वो खराब हो जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं ओपन, समझ गए ना। रजिस्टर ना लीक होता है ना ही शॉर्ट होता है, क्लियर है। उसका फॉल्टी कंडीशन क्या होता है, ओपन, ओपन का मतलब हाँ, या तो वैल्यू बढ़ जाएगी तो भी खराब, या तो फिर वो बिल्कुल अंदर से क्या हो गया, टूट गया, तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो भी क्या कहलाएगी, खराब कहलाएगी,
तो आज आप लोग देखें, चलिए एक बार हम दूसरा चेक करके दिखा देता हूं मैं 100 प्लस वाला, ताकि एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये तो आपका फॉल्टी मिल गया था, अब इस कैपेसिटर को हम वापस लगा देंगे। ठीक है, फिर से हमने सेट किए, रेड वायर को कहां रखा, ग्राउंड पे। कितने आ रही है, 548। ठीक है, आ रही है। और वायर चेंज करने के बाद 100 प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 648 प्लस। क्या बोला, 648 प्लस आनी चाहिए या फिर ऑयल आनी चाहिए। तो ये क्या होगा, सही होगा, आपको बाहर निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अपने ब्लैक वायर को कहां रखा, ग्राउंड पे। अब चेक करते हैं, ऑयल आ रहा है, आ रहा ना ऑयल। ठीक है, देखिए इधर तो ग्राउंड हो गया, इधर 000 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, ऑयल। इसका मतलब ठीक है, हमने क्या बोले, या तो 100 प्लस आनी चाहिए या फिर ऑयल आनी चाहिए। क्लियर हुआ, चलिए एक और चेक कर लेते हैं जो आपका 100 प्लस वाला मिल ही जाए। कहां मिलेगी, चलिए इधर देखते हैं हम। ठीक है, इधर देखते हैं, तो रेड वायर को अभी रखा ग्राउंड पे, इधर आ रही है, देखिए इधर तो हमारा ऑयल आ रहा है, ये ग्राउंड हो गया, ये आ रही है 5, देख लीजिए 550 आ रही है। अब हम ब्लैक वायर को कहां रखेंगे, ग्राउंड पे रखेंगे। क्या आ रही है, ऑयल आ रहा है, ये भी क्या है, ठीक है। अभी भी 100 प्लस वाला कोई सिस्टम नहीं मिला, चलिए और देखते हैं। इधर आ रही है 394, देख लीजिए, इधर तो हो गया हमारा ग्राउंड, देखिए इधर 394 आ रहा है, आ रहा ना 394। अब वायर को चेंज करेंगे तो या तो 100 प्लस या फिर ऑयल आनी चाहिए, देखिए आ रहा है 1366 आ रहा है ना। तो इस कंडीशन में हमें बाहर निकाल कर चेक करने की जरूरत नहीं। अब ये वैल्यू क्यों आ रही है और हमें इसको सही क्यों कह रहे हैं, इसका भी एक लॉजिक है, आखिर इसके लाइन में किस कंपोनेंट की वैल्यू आ रही है तो सही कहला रहा है, तो हम ये नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। ठीक है, आप लोग क्लियर हो गया। अब आप लोग को चेक करना है बोर्ड पे, तो मैं आपको बोर्ड दे रहा हूं मैं, अब आप लोग ये चेक कीजिए, अगर डिफरेंट वैल्यू आ रही है तो आपको उसको बाहर निकाल कर चेक करना होगा। देना बॉक्स ग्रीन कलर का।